आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। शिवगंज शहर के पुराना बस स्टैंड पर स्थित एक शोरूम पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई शुरू की। सिरोही पाली से आयकर विभाग की टीम ने व्यापारी के शोरूम सहित मकान एवं फार्म हाउस पर भी सर्वे शुरू किया। सर्वे के दौरान आयकर विभाग को किसी प्रकार की अघोषित संपत्ति का पता नहीं चला, जिसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्वे कार्य पूरा होने के बाद ही जानकारी दी जा सकेगी। शहर में आयकर विभाग की टीम ने शोरूम में आयकर सर्वे की जानकारी मिलते ही बाजार में व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बाजार की जगह जगह पर चर्चा होती रही। खबर सिरोही से है, जहां सिरोही जिले के सांगवाड़ा में एक कृषि कुएं पर दो बार टोपीदार बंदूक से फायर कर दो जनों को घायल करने का आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पुत्री के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी के परिजनों से उसे न्याय दिलाने का आश्वासन दिया, तो आरोपी ने मंगलवार को पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। थाना प्रभारी हरिओम मीणा ने बताया कि समीपवर्ती सांगवाड़ा स्थित एक कृषि कुएं पर लसमा पुत्र राजाजी गमेती भील ने पुरानी रंजीश को लेकर गत वर्ष 16 नवंबर को कालूराम पुत्र सामाराम भील के कृषि कुएं पर कार्य करने वाले पारसीराम पुत्र भोलाजी गमेती भील निवासी उपला टाकिया पर टोपीदार बंदूक से फायर कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की और आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस द्वारा लगातार तलाश के बाद आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा और आरोपी लसमा ने कुछ दिनों पूर्व 10 फरवरी को एक बार उसी कृषि कुएं पर कालूराम पुत्र समाजी भील पर टोपीदार बंदूक से फायर कर गंभीर रूप से घायल कर मौके से फरार हो गया था। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा आरोपी की तलाश शुरू की। एसपी जय यादव के निर्देशन में आबरूड सिटी थाना प्रभारी हंसाराम सिरवी, रोहिड़ा थाना प्रभारी भगवत सिंह व स्वरूपगंज थाना प्रभारी हरिओम मीणा व हेड कांस्टेबल कांस्टेबल की टीमें गठित की गई थी। टीम ने आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश थी, मगर आरोपी कहीं हाथ नहीं लगा। मतलब इस घटना के बारे में पूरा बताया और जो दो दो बार फायरिंग हुई और उससे नुकसान होने वाले अपने समाज के प्रति पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया और सभी समाज के पंच पटेलों और इनके परिवार वालों से मैं मिला और उनको मैंने मेरे हिसाब से उनको टैकल किया, जिससे वो मैंने उनको समझाया, जो मेरे पे उन्होंने विश्वास करके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं हम सब आपके ऊपर विश्वास करके हमारे तरह से भी पूरा प्रयास करके आपको मदद करेंगे। और इस तरह से उन्होंने मेरे साथ में मिलकर मेरे पूरे तरह से मदद की और मैंने उनको पूरे विश्वास में लेकर पंच पटेलों के जरिए उसको बुलाया गया। करीब 3 माह पूर्व लसमा नाम के गरेसे जाति के आदिवासी ने पुरानी किसी आशंकावश व्यस्तावश्यक फायरिंग की थी, जिसके बाद भी ये कंटिन्यूस यहाँ से फरार हो चुका था। उसके बाद में फिर 3 महीने बाद में इसने आकर के पुनः एक कालू नाम के व्यक्ति के ऊपर रात्रि में घात लगा करके उसके ऊपर भी इसने पुनः फायरिंग की, मारने का प्रयास किया। तीनों प्रकरणों में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होकर के जेर तप्तीस था।